क्या नाम है सो गाइस, आज हम अगेन वापस आ गए एक और जबरदस्त वीडियो लेकर। और आज जो हम है ना सेकंड पार्ट लेकर आया है, सबसे पहले तो इसका टाइटल बता दे गाइस। इस वीडियो का टाइटल है इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट असम। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट पार्ट पे रैक किया था अमेजिंग फैक्ट असम, और आज कुछ शॉकिंग भी है। वो क्या होंगे वो हम इस वीडियो में मिलेंगे देखने को। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके इनके चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। और हमारे भी चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। तो गाइस टाइम नहीं हम जाएंगे, तो जल्दी से जाना इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। ओके ओके वैसे अब तो उसामा हमें असम के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन है, काफी। अगर इस वीडियो में रॉन्ग हुई तो हम बता सकते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम। यस, फैक्ट्स टाइम वालों के लिए वीडियो है। मैं आपसे पूछूं कि आप अपने देश के बारे में कितना जानते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? ज्यादा नहीं जानते। श्योर कि इस पर आप सभी का अलग अलग जवाब होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा देश इतना विशाल और सुंदर जो है, इसकी कहानियाँ, किस्से और बातें अनगिनत हैं, जिसको एक ही बार में बयान करना नामुमकिन है। पिछले कुछ वर्षों से भारत देश पूरी दुनिया में उभरता हुआ एक देश है। ये बात जो तो लोग हम हमें बेकार, गरीब और बेवकूफ मानते थे, वही लोग आज हमें इज्जत भरी नजरों से देखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत देश में आना चाहती हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन आज भारत देश को प्रेफरेंस दे रहे हैं। बहरहाल इसको मैं एक ही लाइन में बयान करूँ तो आप सब श्योर यही कहेंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसमें बसे हैं हर तरह के लोग और बसी हैं ऐसी ऐसी स्टेट्स। जो भाई असम है ना, वो तो टोटली डिफरेंट है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार। आज हम सैर भी करने वाले हैं, जो असम के नाम से जानी जाती है, जो अपनी सुंदरिया के कारण पूरी दुनिया में फेमस है। इसकी सुंदरिया का राज है तीनों पक्षों से हरियाली और पहाड़ों से घिरा होना, और एक द्वारा से बहती हुई के किनारे जो आपकी शाम को रंगीन बना देता है और सुकून से भर देता है। पर्यटकों के लिए ये राज्य शानदार डेस्टिनेशन माना जाता है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि असम की लड़कियां भारत की सबसे सुंदर दुनिया की मान सकते हैं, जहां आपको एक से बढ़कर एक महिला देखने को मिलेगी, जहां अगर आप एक दफा जाएंगे तो दूसरी दफा जाने का मन खुद ब खुद की धड़कन है असम। और आज भी हम आप लोगों को भारत की इस धड़कन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे। वैसे वीडियो का जो स्टार्ट था धड़कन, मतलब कि काफी अच्छा है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, तो हम भारत देश की सभी स्टेट के बारे में वीडियोस की एक सीरीज लेकर आएंगे, जो यकीनन आपको यूट्यूब पर और किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब पर मौजूद चैनल फैक्ट्स टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह के सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। दोस्तों असम, जिसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे भी कहा जाता है, मतलब कि ये गेट है, भारत देश के नॉर्थ ईस्ट में बसी एक सुंदर सी स्टेट है, जो ईस्टर्न हिमालया के साथ साथ ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर तक फैली हुई है, जिसके नॉर्थ में भूटान और अरुणाचल प्रदेश ने बसाव किया हुआ है, जबकि ईस्ट में नागालैंड और मणिपुर, साउथ ईस्ट में मेघालय और बांग्लादेश, जबकि वेस्ट में इसकी सीमाएं वेस्टर्न बंगाल से जुड़ी हुई हैं। बड़ा काफी ज्यादा। दोस्तों अगर असम के इतिहास की तरफ नजर दौड़ाएं तो जिस समय ब्रिटिश पूरे हिंदुस्तान पर राज किया करती थी, उस समय वो असम पर भी अपनी सरकार ही चलाया करती थी। और मजे की बात ये कि उस समय असम भारत का भाग नहीं हुआ करता था, बल्कि ये बर्मा यानी म्यांमार का पार्ट हुआ करता था। ब्रिटिश के चलते इन्होंने असम को भारत का भाग बना दिया। उस समय त्रिपुरा और मणिपुर स्टेट्स असम राज्य का ही भाग हुआ करती थी। समय गुजरने के साथ साथ असम राज्य की विभाजन होती रही। अच्छा, इसको हिस्सों में डिवाइड करते गए, स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स में तकसीम कर दी गई, और यहाँ बारी स्टेट्स के लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। इसका कारण रोजगार था, और स्टेट की पॉपुलेशन भी ज्यादा ना थी। चाय के बगात वगैरह में काम करने के लिए पड़ोसी बंगाल, बिहार और कई स्टेट्स के लोग यहाँ आते और वो यहाँ पर ही बस जाते।
और इसी तरह एक सुंदर सी स्टेट बनती गई और यहाँ लोगों की पॉपुलेशन बिल्कुल ही नेचुरल। आज के दिन इस राज्य की पॉपुलेशन 3,11,59,000 पर ना मुझे एक मतलब है इस वीडियो में बताया गया कि ब्रिटिश हुकूमत ने इसकी गिनती राज किया है, पर यहाँ तक हमने एक वीडियो देखा था ना मुगल वाला मुगलों का एक कमाल का राज्य है, कुल मिलाकर 78,438 किलोमीटर तक फैला हुआ है और एरिया के हवाले से इसकी गिनती 16वें नंबर पर होती है। सही रिंग दी है। खूबसूरत लड़कियों से भरा गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर माना जाता है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये शहर दुनिया के टॉप 100 तेजी से बढ़ते हुए शहरों में से एक है। ये भी बताते चलें कि देसपुर को इस राज्य की राजधानी होने का सम्मान हासिल है। असम भारत का सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूस करने वाला राज्य भी है। इसके अलावा पूरी दुनिया का 15.6% और पूरे भारत की 55% चाय अकेला असम ही एक्सपोर्ट करता है। मतलब ये काम काफी ज्यादा है। एशिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी असम में है। सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार इसी स्टेट असम में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत की 25% तेल की जरूरियात अकेला असम ही पूरी करता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में मौजूद भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसके अलावा इसको असम की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। नदी राज्य के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। असम इस संसार में गोल्डन सिल्क प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती है। असम में सबसे अधिक लोग हिंदुइज्म का पालन करते हैं जिनकी कुल संख्या 61.4% है। दूसरे सबसे अधिक लोग यहाँ इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और इन दोनों की बॉर्डिंग बहुत अच्छी है। यार ये बात है मुसलमानों को काफी रिस्पेक्ट है। थोड़ी बहुत संख्या बुद्धिस्ट और जैनिज्म का पालन भी करती है। असम के लोग अल्कोहल को अलग अलग तरीकों से तैयार करते हैं और यहाँ के लोग कई क्वालिटीज की अल्कोहल तैयार करते हैं। यहाँ के लोग अपने घरों में ही अपनी अपनी अल्कोहल तैयार करते हैं। अपने अपने घरों में लैंड ऑफ फेस्टिवल का नाम भी दिया जाता है। ये अमेजिंग चीज है क्योंकि यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल हर साल मनाए जाते हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट बिहू और विशु फेस्टिवल माने जाते हैं। बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाने वाला सबसे ज्यादा और सबसे फेमस फेस्टिवल माना जाता है जो साल में 3 मरतबा मनाया जाता है। न्यू ईयर के मौका पर दूसरा फसल की बजाई पर न्यू ईयर पर भी मतलब फसल की बात भी सेलिब्रेट किया जाएगा। यार अमेजिंग। की अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो असम के इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ ऑयल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का है। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी असम की इकोनॉमी को सहारा दे रखा है जिसकी कुल GDP 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यस और ये पाकिस्तान से ज्यादा है तुम्हें बता दूं जो हमने कमरा किया था जो भारतीय 82,000 रुपए बनते हैं। दोस्तों ये राज्य संसार में कारण बेहद फेमस है। इसके अलावा असम में मौजूद काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी दुनिया में बेहद फेमस है। असम में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में राइस कॉटन ऑयल सीड शुगर केन पोटैटो मैंगो पाइनएप्पल बनाना और जैक फ्रूट है। इस राज्य के अगर सेक्स रेशो की बात की जाए तो असम में 958 महिलाओं की तुलना में 1,000 मेल्स मौजूद है। 958 हाँ इतना कोई नहीं है मतलब कि 958 लड़कियां तो पक्षियों की प्रजातियां इसी राज्य असम में ही पाई जाती है। इस राज्य के अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो असम का लिटरेसी रेट 72.9% अच्छा यार काफी ज्यादा। इसके अलावा लिटरेसी रेट के हवाले से इस राज्य की गिनती 19वें नंबर पर होती है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इस राज्य में 20 यूनिवर्सिटियां 7 मेडिकल कॉलेज और 16 इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेज हैं। इस राज्य में पाई जाने वाली मिनरल में ऑयल नेचुरल गैस कोल है। एक सींग वाले राइनो को असम के स्टेट एनिमल होने का सम्मान हासिल है। व्हाइट विंग वुड डक को इस राज्य का स्टेट बर्ड माना है। यार ये तो मेरा भी फेवरेट है। पूसा को असम का स्टेट फ्लावर माना जाता है। यार कलर कितने प्यारे। पोलन के पेड़ को असम का स्टेट ट्री माना जाता है। ये हमें नया पता चला। धूप खेल को असम की स्टेट गेम होने का सम्मान हासिल है लेकिन यहाँ क्रिकेट फुटबॉल और वॉलीबॉल के दीवाने भी खेलते हैं। आकाशी गंगा वाटरफॉल्स असम में मौजूद मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट मानी जाती है। असम में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा असमी है। इसके अलावा इंग्लिश बंगाली और बुर्दू सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। फ्रेंड्स असम में स्थित माजुली आइलैंड किसी भी नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। इसके अलावा किसी भी नदी के ऊपर बनाया गया सबसे छोटा आइलैंड भी असम में स्थित है।
जी आइलैंड अमनंदा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज ये हम जानते हैं असम में इस ब्रिज के बारे में पता है, जो बोगीबिल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। असम राज्य को लोग एक अलग देश की तरह स्वीकार करते हैं, लेकिन असल में असम भी भारत देश के बाकी राज्यों की तरह एक राज्य है, जहाँ असामी, बंगाली, मारवाड़ी और बहारी लोग आबाद हैं। भारत में सबसे पहला फाइव स्टार रिवर क्रूज असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया था। क्या बात है यार, ये काफी ज्यादा राज्य के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आज की हमारी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि अगली वीडियो किस देश पर बनाई जाए, और साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे वीडियो के साथ, अपने इस दोस्त विकी को दीजिए अनुमति। ओके गाइस, वीडियो ओवर। तो ये थे असम के फैक्ट्स, यस, अमेजिंग और शॉकिंग। काफी कुछ हमें जानने को मिल गया इस वीडियो, काफी डिफरेंट, काफी सारी चीजें हमें पता चली। मतलब नेशनल ट्री, बर्ड, जानवर, उनके जानवर, और जो मतलब के लड़कियों और लड़कों का तोज़न मतलब कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, और भी काफी सारी अमेजिंग चीजें। अच्छा, एक वो जो बताया था तुम्हें, वो दिखा रहे थे कि झील के किनारे एक वो उन्होंने बनाए हुए थे घर बनाए हुए थे, वो भी सबसे बड़ा मतलब के मौजली आइस, वो भी असम में ही है। ये यार, ये जगह जो थी ना हमसे छुपी थी, आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में नहीं बताया, ठीक है ना गाइस। ये गलत है यार, असम के बारे में जितनी भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना, प्लीज काइंडली यार आप लोग हमारे से शेयर किया करें, क्योंकि हम असम की वीडियोस अक्सर नॉर्मली वॉच करते हैं, तो इसलिए प्लीज लाजमी आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग हमें ये चीजें बताएं, ठीक है ना। तो गाइस, अमेजिंग, काफी अमेजिंग वीडियो था ये भी, काफी नई इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में हमें देखने को मिली। आई होप सो कि आप लोगों को भी हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और करना आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। तो हम अगेन एंड नेक्स्ट और न्यू